न्यूज़ देख रहे हैं आप और नगर निगम अम्बाला की एक और बड़ी लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम किस कदर लापरवाह है, किस कदर सड़कों पर हम कह सकते हैं अम्बाला में आवारा जो गोवंश हैं, बेसहारा गोवंश है, वो घूमते हुए नज़र आते हैं। लेकिन लापरवाही देखिए कि अम्बाला शहर में विधायक निवास के बिल्कुल सामने, पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि सामने विधायक जी का घर है, विधायक असीम गोयल जी नगर सेवक के नाम से जाने जाते हैं, नगर सेवक कहलवाते हैं खुद को, सामने उनका घर है और उनके घर के सामने ही ये एक बड़ा ही पुराना जो है वो कूड़े का हम कह सकते हैं कि किसी ज़माने में शायद ये कुआं होता था, लेकिन अब जो है वो ये एक कुआं जो है वो एक कूड़े का बड़ा हम कह सकते हैं कि दलदल बन चुका है और उसी दलदल में एक गौवंश जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आपकी स्थानीय लोग जो हैं उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है वो भी नाकाफी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा सवाल नगर निगम पर भी खड़ा होता है। नगर निगम लाख दावे करता है, अम्बाला को स्ट्रे कैटल फ्री जो है वो बताया जाता है, जब कोर्ट में तारीख लगती है कहा जाता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि बरसात हुई, बरसात के बाद इस कुएं में जो है वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं कीचड़ जरूर हो गया और उसी कीचड़ में जो गौवंश है वो इस वक्त फंसा हुआ नज़र आ रहा है और गौवंश को निकालने का भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रयास जो है वो सफल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बड़ी लापरवाही नगर निगम की, नगर निगम की लापरवाही से अगर आप भी परेशान हैं तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नगर निगम के अधिकारी देख सकें, शहर के नगर सेवक देख सकें कि उनके निवास के बिल्कुल सामने किस तरह का नज़ारा, किस तरह की हालत, किस तरह का आलम बना हुआ है कि गौवंश जो है अब कुएं में गिरने लगे हैं और भरी पूरी मार्केट जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, उसके बावजूद ना तो इस कुएं की चार दीवारी करवाई गई है, ना ही किसी तरह की कोई यहाँ पर सफाई होती हुई नज़र आती है। कुछ बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका जी? संजय। संजय जी, कुआं होता था शायद ये किसी टाइम में, लेकिन आज की हालत क्या बन गई है? बीजेपी सरकार ने तोड़ा जी, बीजेपी सरकार के ऑफिसर ने ये कुआं तोड़वाया दोबारा से, पहले बीजेपी ने ठीक करवाया, हमने बहुत सारी बहुत बार गुए सुअर कुत्ते सब निकाले हैं जी भाई साहब। सर कोई सफाई करने आता है? कोई सफाई वाला कोई सिस्टम नहीं है जी इसका, हमने ये बंद करवा दिया था कहको आगे कमेटी वालों से और कमेटी के ही एक ऑफिसर ने इसको तोड़वा दिया, तो उसकी वजह से अब फिर दोबारा परेशानियां होने लगी हैं जी। भाई साहब आपका क्या नाम है जी, आगे जाइए थोड़ा। मेरा नाम राम कुमार है जी। राम जी क्या कहेंगे, बिल्कुल सामने विधायक जी का घर, बात ही है ना जी, किसी ने ये तोड़वाया इस पर्पज के लिए तोड़वाया कि मैं इसको बंद करवाऊंगा। अच्छा। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है जी। बीजेपी का कोई हाथ नहीं, बीजेपी सरकार के टाइम की हाथ पर बीजेपी का हाथ नहीं, किसी शख्स ने ये कह के तोड़वाया ये कि मैं इसको बंद करवाऊंगा, इसको बंद एमएलए पहले विनोद शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत जोर लगवा लिया, वो नहीं बंद करवाया इसको, बल्कि इसका ये इन्होंने पहले भी एक बार तोड़वाया था, जब तोड़वाया था जिस शख्स ने तोड़वाया था पहले भी ऐसे ही ये मेरे डंगर गिरते थे। राजनीति की बात नहीं करते हम सर, लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, नगर निगम की जिम्मेदारी तो बनती है जी, लेकिन उस शख्स ने दोबारा फिर तोड़वा दिया बंद करने के लिए, अब इसमें फिर पशु इस तरह गिरते हैं जी, उसको क्या हासिल हुआ? बिल्कुल पीछे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हालत देखिए, नगर निगम लाख दावे करता रहे, नगर निगम लाख हम कह सकते हैं बातें करता रहे, देखिए किस तरह से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि गौवंश को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इस गौवंश को बाहर निकाला जा सके। तस्वीर मैं ज़रा नज़दीक से आपको दिखा दूं कि हालांकि लोग जो हैं वो सियासत के आगे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से टल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कबाड़ हम इसे कहेंगे जो गंदगी हिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे बिल्कुल दलदल नुमा हालत जो है वो यहाँ पर बन गई है, लेकिन उसी में गौवंश जो है वो फंसा हुआ है, गौवंश को निकालने का प्रयास लोग इस समय कर रहे हैं। खबर को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। लापरवाही की तस्वीरें अम्बाला शहर के बीचों बीच से हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक निवास बिल्कुल सामने है और फिलहाल गौवंश को जो है वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो विफल होता हुआ साबित हो रहा है। दमकल विभाग को भी यहाँ पर सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं, कुछ समाज से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। हनी जी पहुँचे हैं, सबसे पहले तो नज़ारा देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए ये कोई अम्बाला के अंदर कोई नई बात नहीं है, और नगर निगम हो चाहे हमारे यहाँ के विधायक जी जिनकी कोठी इनके सामने ही है, अगर इतनी गंदगी है और ये बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि स्वच्छ भारत अभियान, तो ये अगर असीम गोयल जी की कोठी के सामने ये हाल है और गौवंश के नाम पर ये सरकार जो आई थी, और हालात देखिए क्या है। अभी हमने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया है, उन्होंने कहा कि 7:25 का मैसेज हमें मिला था लेकिन अभी तक नहीं आई, इतने में तो लोगों के घर भी जल जाएं, हालांकि वो पहुंच जाते हैं टाइम पर, आज शायद नहीं पहुंचे, तो अब ये कोशिश देखिए लगी हुई है
हैं, तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है नरक निगम जो है साबित हो रहा है। ये इसकी जो आपके सामने इसका सबूत है और देखिए शायद अब ये निकल भी जाएगी और इसका बिल्कुल देखिए गोवंश को जो है लोग अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से निकाल रहे हैं और ये निकाल दिया है गोवंश को यहाँ पर, गोवंश को यहाँ पर निकाला जा चुका है और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि ना तो दमकल यहाँ पर पहुँचा है ना ही कोई नगर निगम का अधिकारी यहाँ पर पहुँचा और लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से यहाँ पर गोवंश को इसको निकाला है। और जबकि मीडिया भी यहाँ आई हुई है तो उनको भी पहुँचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। सारा काम अगर समाज सेवी संस्थाओं ने ही करना है तो मुझे लगता है कि भाई किस लिए जनता ने जो है MCs बनाए हैं या MLAs बनाए हैं। जी बिल्कुल, किस लिए जनता ने MC बनाए हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि MCOs के लाख दावे हुए, नगर निगम बड़े ही दावे कर देता है, विधायक दावे कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात जो हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि आंखों देखकर यकीन नहीं होता कि ये शहर की ही, उस शहर की बात की जाती है जब शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की खबरें दिल लेकर जरूर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अब जुड़े रहेंगे हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। न्यूज़ देख रहे हैं आप और नगर निगम अम्बाला की एक और बड़ी लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम किस कदर लापरवाह है, किस कदर सड़कों पर हम कह सकते हैं अम्बाला में आवारा जो गोवंश हैं, बेसहारा गोवंश है, वो घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन लापरवाही देखिए कि अम्बाला शहर में विधायक निवास के बिल्कुल सामने, पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि सामने विधायक जी का घर है, विधायक असीम गोयल जी नगर सेवक के नाम से जाने जाते हैं, नगर सेवक कहलवाते हैं खुद को, सामने उनका घर है और उनके घर के सामने ही ये एक बड़ा ही पुराना जो है वो कूड़े का हम कह सकते हैं कि किसी ज़माने में शायद ये कुआं होता था, लेकिन अब जो है वो ये एक कुआं जो है वो एक कूड़े का बड़ा हम कह सकते हैं कि दलदल बन चुका है और उसी दलदल में एक गोवंश जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आपकी स्थानीय लोग जो हैं उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास जो है वो भी नाकाफी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा सवाल नगर निगम पर भी खड़ा होता है। नगर निगम लाख दावे करता है, अम्बाला को स्ट्रे कैटल फ्री जो है वो बताया जाता है, जब कोर्ट में तारीख लगती है कहा जाता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि बरसात हुई, बरसात के बाद इस कुएं में जो है वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं कीचड़ जरूर हो गया और उसी कीचड़ में जो गोवंश है वो इस वक्त फंसा हुआ नज़र आ रहा है और गोवंश को निकालने का भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है लेकिन फिलहाल प्रयास जो है वो सफल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बड़ी लापरवाही नगर निगम की, नगर निगम की लापरवाही से अगर आप भी परेशान हैं तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नगर निगम के अधिकारी देख सकें, शहर के नगर सेवक देख सकें कि उनके निवास के बिल्कुल सामने किस तरह का नज़ारा, किस तरह की हालत, किस तरह का आलम बना हुआ है कि गोवंश जो है अब कुएं में गिरने लगे हैं और भरी पूरी मार्केट जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, उसके बावजूद ना तो इस कुएं की चार दीवारी करवाई गई है ना ही किसी तरह की कोई यहाँ पर सफाई होती हुई नज़र आती है। कुछ बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका जी? संजय। संजय जी, कुआं होता था शायद ये किसी टाइम में, लेकिन आज की हालत क्या बन गई है? बीजेपी सरकार ने तोड़ा जी, बीजेपी सरकार के ऑफिसर ने ये कुआं तोड़वाया दोबारा से, पहले बीजेपी ने ठीक करवाया, हमने बहुत सारी बहुत बार गुए सुअर कुत्ते सब निकाले हैं जी। भाई साहब सर कोई तो सफाई करने आता है? कोई सफाई वाला कोई सिस्टम नहीं है जी इसका, हमने ये बंद करवा दिया था कह को आगे कमेटी वालों से और कमेटी के ही एक ऑफिसर ने इसको तोड़वा दिया तो उसकी वजह से अब फिर दोबारा परेशानियां होने लगी हैं। जी भाई साहब आपका क्या नाम है जी, आगे जाइए थोड़ा। मेरा नाम राम कुमार है जी। राम जी क्या कहेंगे, बिल्कुल सामने विधायक जी का घर, बात ही है ना जी, किसी ने ये तोड़वाया इस पर्पज के लिए तोड़वाया कि मैं इसको बंद करवाऊंगा। अच्छा। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी का कोई हाथ नहीं, इसमें बीजेपी सरकार के टाइम की हाथ पर बीजेपी का हाथ नहीं, किसी सेक्शन ने ये कह के तोड़वाया ये कि मैं इसको बंद करवाऊंगा, इसको बंद MLA पहले विनोद शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत जोर लगवा लिया, वो नहीं बंद करवाया इसको, बल्कि इसका ये इन्होंने पहले भी एक बार तोड़वाया था, जब तोड़वाया था जिस शख्स ने तोड़वाया था पहले भी ऐसे ही ये मेरे डंगर गिरते थे। राजनीति की बात नहीं करते हम सर, लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, नगर निगम की जिम्मेदारी तो बनती है जी, लेकिन उस शख्स ने दोबारा फिर तोड़वा दिया बंद करने के लिए, अब इसमें फिर पशु इस तरह गिरते हैं जी, उसको क्या हासिल हुआ? तो बिल्कुल पीछे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हालत देखिए, नगर निगम लाख दावे करता रहे, नगर निगम लाख हम कह सकते हैं बातें करता रहे, देखिए किस तरह से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि गोवंश को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इस गोवंश को बाहर निकाला जा सके। एक तस्वीर मैं ज़रा नज़दीक से आपको दिखा दूं कि हालांकि लोग जो हैं वो
सियासत के आगे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से टल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कबाड़ हम इसे कहेंगे जो गंदगी हिलती हुई नजर आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे बिल्कुल दलदल नुमा हालत जो है वो यहाँ पर बन गई है, लेकिन उसी में गौवंश जो है वो फंसा हुआ है। गौवंश को निकालने का प्रयास लोग इस समय कर रहे हैं, खबर को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। लापरवाही की तस्वीरें अंबाला शहर के बीचों बीच से हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक निवास बिल्कुल सामने है और फिलहाल गौवंश को जो है वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो विफल होता हुआ साबित हो रहा है। दमकल विभाग को भी यहाँ पर सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं। कुछ समाज सेवी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। हनी जी पहुँचे हैं, सबसे पहले तो नज़ारा देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, ये कोई अंबाला के अंदर कोई नवी बात नहीं है, और नगर निगम हो चाहे हमारे यहाँ के विधायक जी, जिनकी कोठी इनके सामने ही है, अगर इतनी गंदगी है और ये बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि स्वच्छ भारत अभियान, तो ये अगर असीम गोयल जी की कोठी के सामने ये हाल है, और गौवंश के नाम पर ये सरकार जो आई थी, और हालात देखिए क्या है। अभी हमने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया है, उन्होंने कहा कि 7:25 का मैसेज हमें मिला था, लेकिन अभी तक नहीं आई। इतने में तो लोगों के घर भी जल जाएं, हालांकि वो पहुंच जाते हैं टाइम पर, आज शायद नहीं पहुंचे। तो अब ये कोशिश देखिए लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है नरक निगम जो है साबित हो रहा है, ये इसकी जो आपके सामने इसका सबूत है। और देखिए अब शायद अब ये निकल भी जाएंगे, और इसके बिल्कुल देखिए गौवंश को जो है लोग अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से निकाल रहे हैं, और ये निकाल दिया है गौवंश को यहाँ पर। गौवंश को यहाँ पर निकाला जा चुका है, और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि ना तो दमकल यहाँ पर पहुंचा है, ना ही कोई नगर निगम का अधिकारी यहाँ पर पहुंचा, और लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से यहाँ पर गौवंश को इसको निकाला है। जबकि मीडिया भी यहाँ आई हुई है, तो उनको भी पहुंचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। सारा काम अगर समाज सेवी संस्थाओं ने ही करना है, तो मुझे लगता है कि भाई किस लिए जनता ने जो है MCs बनाए हैं या MLAs बनाए हैं? जी बिल्कुल, किस लिए जनता ने MC बनाए हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि MCOs के लाख दावे हुए। नगर निगम बड़े ही दावे कर देता है, विधायक दावे कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात जो हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि आंखों देखकर यकीन नहीं होता कि ये शहर की ही, उस शहर की बात की जाती है। जब शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की खबरें दिल लेकर जरूर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप, और नगर निगम अंबाला की एक और बड़ी लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम किस कदर लापरवाह है, किस कदर सड़कों पर हम कह सकते हैं अंबाला में आवारा जो गौवंश हैं, बेसहारा गौवंश है, वो घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन लापरवाही देखिए कि अंबाला शहर में विधायक निवास के बिल्कुल सामने, पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि सामने विधायक जी का घर है, विधायक असीम गोयल जी, नगर सेवक के नाम से जाने जाते हैं, नगर सेवक कहलवाते हैं खुद को, सामने उनका घर है, और उनके घर के सामने ही ये एक बड़ा ही पुराना जो है वो कूड़े का हम कह सकते हैं कि किसी ज़माने में शायद ये कुआं होता था, लेकिन अब जो है वो ये एक कुआं जो है वो एक कूड़े का बड़ा हम कह सकते हैं कि दलदल बन चुका है, और उसी दलदल में एक गौवंश जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आपकी स्थानीय लोग जो हैं उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है वो भी नाकाफी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा सवाल नगर निगम पर भी खड़ा होता है। नगर निगम लाख दावे करता है, अंबाला को स्ट्रे कैटल फ्री जो है वो बताया जाता है, जब कोर्ट में तारीख लगती है कहा जाता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि बरसात हुई, बरसात के बाद इस कुएं में जो है वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं कीचड़ जरूर हो गया, और उसी कीचड़ में जो गौवंश है वो इस वक्त फंसा हुआ नज़र आ रहा है, और गौवंश को निकालने का भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रयास जो है वो सफल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बड़ी लापरवाही नगर निगम की, नगर निगम की लापरवाही से अगर आप भी परेशान हैं तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि नगर निगम के अधिकारी देख सकें, शहर के नगर सेवक देख सकें कि उनके निवास के बिल्कुल सामने किस तरह का नज़ारा, किस तरह की हालत, किस तरह का आलम बना हुआ है कि गौवंश जो है अब कुएं में गिरने लगे हैं, और भरी पूरी मार्केट जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, उसके बावजूद ना तो इस कुएं की चार दीवारी करवाई गई है, ना ही किसी तरह की कोई यहाँ पर सफाई होती हुई नज़र आती है। कुछ बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी संजय। संजय जी, कुआं होता था शायद ये किसी टाइम में, लेकिन आज की हालत क्या बन गई है? बीजेपी सरकार ने तोड़ा जी, बीजेपी सरकार के ऑफिसर ने ये कुआं तोड़वाया दोबारा से, पहले बीजेपी ने ठीक करवाया, हमने बहुत बार गुए सुअर कुत्ते सब निकाले हैं जी भाई साहब। सर कोई सफाई करने आता है? कोई सफाई वाला कोई सिस्टम नहीं है जी इसका, हमने ये बंद करवा दिया था कह को आगे कमेटी वालों से, और कमेटी के ही एक ऑफिसर ने इसको तोड़वा दिया, तो उसकी वजह से अब फिर दोबारा परेशानियां होने लगी हैं जी। भाई साहब आपका क्या नाम है जी, आगे जाइए थोड़ा।
मेरा नाम राम कुमार है जी। राम जी क्या कहेंगे, बिल्कुल सामने विधायक जी का घर। बात यह है जी, किसी ने ये तोड़वाया, इस पर्पे के लिए तोड़वाया कि मैं इसको बंद करवाऊंगा। अच्छा। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी का कोई हाथ नहीं, बीजेपी की सरकार के टाइम की हाथ पर बीजेपी का हाथ नहीं। किसी शख्स ने ये कह के तोड़वाया ये कि मैं इसको बंद करवाऊंगा, इसको बंद एमएलए पहले विनोद शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत जोर लगवा लिया, वो नहीं बंद करवाया इसको, बल्कि इसका ये इन्होंने पहले भी एक बार तोड़वाया था, जब तोड़वाया था जिस शख्स ने तोड़वाया था पहले भी ऐसे ही ये मेरे डंगर गिरते थे। राजनीति की बात नहीं करते हम सर, लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर। नगर निगम की जिम्मेदारी तो बनती है जी, लेकिन उस शख्स ने दोबारा फिर तोड़वा दिया बंद करने के लिए, अब इसमें फिर पशु इस तरह गिरते हैं जी, उसको क्या हासिल हुआ। बिल्कुल पीछे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हालत देखिए, नगर निगम लाख दावे करता रहे, नगर निगम लाख हम कह सकते हैं बातें करता रहे, देखिए किस तरह से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि गोवंश को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इस गोवंश को बाहर निकाला जा सके। ये तस्वीर मैं ज़रा नज़दीक से आपको दिखा दूं कि हालांकि लोग जो हैं वो सियासत के आगे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से टल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कबाड़ हम इसे कहेंगे जो गंदगी हिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे बिल्कुल दलदल नुमा हालत जो है वो यहाँ पर बन गई है, लेकिन उसी में गोवंश जो है वो फंसा हुआ है। गोवंश को निकालने का प्रयास लोग इस समय कर रहे हैं, खबर को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। लापरवाही की तस्वीरें अंबाला शहर के बीचों बीच से हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक निवास बिल्कुल सामने हैं और फिलहाल गौवंश को जो है वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो विफल होता हुआ साबित हो रहा है। दमकल विभाग को भी यहाँ पर सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं। कुछ समाज से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। हनी जी पहुँचे हैं, सबसे पहले तो नज़ारा देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए ये कोई अंबाला के अंदर कोई नवी बात नहीं है, और नगर निगम हो चाहे हमारे यहाँ के विधायक जी जिनकी कोठी इनके सामने ही है, अगर इतनी गंदगी है और ये बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि स्वच्छ भारत अभियान, तो ये अगर असीम गोयल जी की कोठी के सामने ये हाल है और गौवंश के नाम पर ये सरकार जो आई थी, और हालात देखिए क्या है। अभी हमने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया है, उन्होंने कहा कि 7:25 का मैसेज हमें मिला था लेकिन अभी तक नहीं आई, इतने में तो लोगों के घर भी जल जाएं, हालांकि वो पहुंच जाते हैं टाइम पर, आज शायद नहीं पहुंचे, तो अब ये कोशिश देखिए लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है नरक निगम जो है साबित हो रहा है, ये इसकी जो आपके सामने इसका सबूत है, और देखिए शायद अब ये निकल भी जाएंगे और इसका बिल्कुल देखिए गौवंश को जो है लोग अपनी मेहनत से अपनी से निकाल रहे हैं और ये निकाल दिया है गौवंश को यहाँ पर, गौवंश को यहाँ पर निकाला जा चुका है, और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि ना तो दमकल यहाँ पर पहुँचा है, ना ही कोई नगर निगम का अधिकारी यहाँ पर पहुँचा, और लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से यहाँ पर गौवंश को इसको निकाला है, और जबकि मीडिया भी यहाँ आई हुई है तो उनको भी पहुँचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। सारा काम अगर समाज सेवी संस्थाओं ने ही करना है तो मुझे लगता है कि भाई किस लिए जनता ने जो है MCs बनाए हैं या MLAs बनाए हैं जी। बिल्कुल किस लिए जनता ने MC बनाए हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि MCOs के लाख दावे हुए, नगर निगम बड़े ही दावे कर देता है, विधायक दावे कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात जो हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि आंखों देखकर यकीन नहीं होता कि ये शहर की ही, उस शहर की बात की जाती है, जब शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की खबरें दिल लेकर जरूर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, अब जुड़े रहेंगे हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप, और नगर निगम अंबाला की एक और बड़ी लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम किस कदर लापरवाह है, किस कदर सड़कों पर हम कह सकते हैं अंबाला में आवारा जो गौवंश हैं, बेसहारा गौवंश है, वो घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन लापरवाही देखिए कि अंबाला शहर में विधायक निवास के बिल्कुल सामने, पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि सामने विधायक जी का घर है, विधायक असीम गोयल जी नगर सेवक के नाम से जाने जाते हैं, नगर सेवक कहलवाते हैं खुद को, सामने उनका घर है और उनके घर के सामने ही ये एक बड़ा पुराना जो है वो कूड़े का हम कह सकते हैं कि किसी ज़माने में शायद ये कुआं होता था, लेकिन अब जो है वो एक कुआं जो है वो एक कूड़े का बड़ा हम कह सकते हैं कि दलदल बन चुका है, और उसी दलदल में एक गौवंश जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप कि स्थानीय लोग जो हैं उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है वो भी नाकाफी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा सवाल नगर निगम पर भी खड़ा होता है, नगर निगम लाख दावे करता है, अंबाला को स्ट्रे कैटल फ्री जो है वो बताया जाता है, जब कोर्ट में तारीख लगती है कहा जाता है कि
व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि बरसात हुई, बरसात के बाद इस कुएं में जो है वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं कीचड़ जरूर हो गया, और उसी कीचड़ में जो गौवंश है वो इस वक्त फंसा हुआ नजर आ रहा है, और गौवंश को निकालने का भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रयास जो है वो सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन बड़ी लापरवाही नगर निगम की लापरवाही से अगर आप भी परेशान हैं तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नगर निगम के अधिकारी देख सकें, शहर के नगर सेवक देख सकें कि उनके निवास के बिल्कुल सामने किस तरह का नज़ारा, किस तरह की हालत, किस तरह का आलम बना हुआ है कि गौवंश जो है अब कुएं में गिरने लगे हैं, और भरी पूरी मार्केट जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, उसके बावजूद ना तो इस कुएं की चार दीवारी करवाई गई है, ना ही किसी तरह की कोई यहाँ पर सफाई होती हुई नज़र आती है। कुछ बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी संजय। संजय जी, कुआं होता था शायद ये किसी टाइम में, लेकिन आज की हालत क्या बन गई है? बीजेपी सरकार ने तोड़ा जी, बीजेपी सरकार के ऑफिसर ने ये कुआं तोड़वाया दोबारा से, पहले बीजेपी ने ठीक करवाया, हमने बहुत बार गुए सुअर कुत्ते सब निकाले हैं जी भाई साहब। सर कोई सफाई करने आता है? कोई सफाई वाला कोई सिस्टम नहीं है जी इसका, हमने ये बंद करवा दिया था कहको आगे कमेटी वालों से, और कमेटी के ही एक ऑफिसर ने इसको तोड़वा दिया, तो उसकी वजह से अब फिर दोबारा परेशानियां होने लगी हैं जी। भाई साहब आपका क्या नाम है जी, आगे जाइए थोड़ा। मेरा नाम राम कुमार है जी। राम जी क्या कहेंगे, बिल्कुल सामने विधायक जी का घर। बात यह है ना जी, किसी ने ये तोड़वाया इस पर्पे के लिए तोड़वाया कि मैं इसको बंद करवाऊंगा। अच्छा। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी का कोई हाथ नहीं, बीजेपी सरकार के टाइम की हाथ पर बीजेपी का हाथ नहीं। किसी शख्स ने ये कह के तोड़वाया ये कि मैं इसको बंद करवाऊंगा, इसको बंद एमएलए पहले विनोद शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत जोर लगवा लिया, वो नहीं बंद करवाया इसको, बल्कि इसका ये इन्होंने पहले भी एक बार तोड़वाया था, जब तोड़वाया था जिस शख्स ने तोड़वाया था पहले भी ऐसे ही ये मेरे डंगर गिरते थे। राजनीति की बात नहीं करते हम सर, लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर। नगर निगम की जिम्मेदारी तो बनती है जी, लेकिन उस शख्स ने दोबारा फिर तोड़वा दिया बंद करने के लिए, अब इसमें फिर पशु इस तरह गिरते हैं जी, उसको क्या हासिल हुआ? बिल्कुल पीछे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हालत देखिए, नगर निगम लाख दावे करता रहे, नगर निगम लाख हम कह सकते हैं बातें करता रहे, देखिए किस तरह से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि गौवंश को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इस गौवंश को बाहर निकाला जा सके। तस्वीर मैं ज़रा नज़दीक से आपको दिखा दूं कि हालांकि लोग जो हैं वो सियासत के आगे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से टल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कबाड़ हम इसे कहेंगे जो गंदगी हिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे बिल्कुल दलदल नुमा हालत जो है वो यहाँ पर बन गई है, लेकिन उसी में गौवंश जो है वो फंसा हुआ है, गौवंश को निकालने का प्रयास लोग इस समय कर रहे हैं। खबर को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। लापरवाही की तस्वीरें अंबाला शहर के बीचों बीच से हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक निवास बिल्कुल सामने हैं, और फिलहाल गौवंश को जो है वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो विफल होता हुआ साबित हो रहा है। दमकल विभाग को भी यहाँ पर सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं। कुछ समाज से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। हनी जी पहुँचे हैं, सबसे पहले तो नज़ारा देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए ये कोई अंबाला के अंदर कोई नवी बात नहीं है, और नगर निगम हो चाहे हमारे यहाँ के विधायक जी जिनकी कोठी इनके सामने ही है, अगर इतनी गंदगी है और ये बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि स्वच्छ भारत अभियान, तो ये अगर असीम गोयल जी की कोठी के सामने ये हाल है, और गौवंश के नाम पर ये सरकार जो आई थी, और हालात देखिए क्या है। अभी हमने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया है, उन्होंने कहा कि 7:25 का मैसेज हमें मिला था, लेकिन अभी तक नहीं आई, इतने में तो लोगों के घर भी जल जाएं। हालांकि वो पहुंच जाते हैं टाइम पर, आज शायद नहीं पहुंचे, तो अब ये कोशिश देखिए लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है नरक निगम जो है साबित हो रहा है, ये इसकी जो आपके सामने इसका सबूत है, और देखिए शायद अब ये निकल भी जाएंगे अंदर, और इसके बिल्कुल देखिए गौवंश को जो है लोग अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से निकाल रहे हैं, और ये निकाल दिया है गौवंश को यहाँ पर, गौवंश को यहाँ पर निकाला जा चुका है, और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि ना तो दमकल यहाँ पर पहुँचा, ना ही कोई नगर निगम का अधिकारी यहाँ पर पहुँचा, और लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से यहाँ पर गौवंश को इसको निकाला है, जबकि मीडिया भी यहाँ आई हुई है, तो उनको भी पहुँचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। सारा काम अगर समाज सेवी संस्थाओं ने ही करना है, तो मुझे लगता है कि भाई किस लिए जनता ने जो है MC बनाए हैं या MLA बनाए हैं जी, बिल्कुल किस लिए जनता ने MC बनाए हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि MCO के लाख दावे हुए, नगर निगम बड़े ही दावे कर देता है, विधायक दावे कर देते हैं, और लेकिन उसके बावजूद हालात जो हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि आंखों देखकर यकीन
नहीं होता कि ये शहर की ही, उस शहर की बात की जाती है जब शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की खबरें दिल लेकर जरूर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अब जुड़े रहेंगे हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और नगर निगम अम्बाला की एक और बड़ी लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम किस कदर लापरवाह है, किस कदर सड़कों पर हम कह सकते हैं अम्बाला में आवारा जो गोवंश हैं, बेसहारा गोवंश है, वो घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन लापरवाही देखिए कि अम्बाला शहर में विधायक निवास के बिल्कुल सामने, पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि सामने विधायक जी का घर है, विधायक असीम गोयल जी, नगर सेवक के नाम से जाने जाते हैं, नगर सेवक कहलवाते हैं खुद को, सामने उनका घर है और उनके घर के सामने ही ये एक बड़ा ही पुराना जो है वो कूड़े का हम कह सकते हैं कि किसी जमाने में शायद ये कुआं होता था, लेकिन अब जो है वो ये एक कुआं जो है वो एक कूड़े का बड़ा हम कह सकते हैं कि दलदल बन चुका है और उसी दलदल में एक गौवंश जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आपकी स्थानीय लोग जो हैं उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है वो भी नाकाफी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा सवाल नगर निगम पर भी खड़ा होता है। नगर निगम लाख दावे करता है, अम्बाला को स्ट्रे कैटल फ्री जो है वो बताया जाता है, जब कोर्ट में तारीख लगती है कहा जाता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि बरसात हुई, बरसात के बाद इस कुएं में जो है वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं कीचड़ जरूर हो गया और उसी कीचड़ में जो गौवंश है वो इस वक्त फंसा हुआ नज़र आ रहा है और गौवंश को निकालने का भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रयास जो है वो सफल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बड़ी लापरवाही नगर निगम की, नगर निगम की लापरवाही से अगर आप भी परेशान हैं तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नगर निगम के अधिकारी देख सकें, शहर के नगर सेवक देख सकें कि उनके निवास के बिल्कुल सामने किस तरह का नज़ारा, किस तरह की हालत, किस तरह का आलम बना हुआ है कि गौवंश जो है अब कुएं में गिरने लगे हैं और भरी पूरी मार्केट जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, उसके बावजूद ना तो इस कुएं की चार दीवारी करवाई गई है, ना ही किसी तरह की कोई यहाँ पर सफाई होती हुई नज़र आती है। कुछ बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका जी? संजय। संजय जी, कुआं होता था शायद ये किसी टाइम में, लेकिन आज की हालत क्या बन गई है? बीजेपी सरकार ने तोड़ा जी, बीजेपी सरकार के ऑफिसर ने ये कुआं तोड़वाया दोबारा से, पहले बीजेपी ने ठीक करवाया, हमने बहुत सारी बहुत बार गुए सुअर कुत्ते सब निकाले हैं जी। भाई साहब, सर कोई सफाई करने आता है? कोई सफाई वाला कोई सिस्टम नहीं है जी इसका, हमने ये बंद करवा दिया था कह को आगे कमेटी वालों से, और कमेटी के ही एक ऑफिसर ने इसको तोड़वा दिया, तो उसकी वजह से अब फिर दोबारा परेशानियां होने लग गई हैं जी। भाई साहब आपका क्या नाम है जी, आगे जाइए थोड़ा। मेरा नाम राम कुमार है जी। राम जी क्या कहेंगे, बिल्कुल सामने विधायक जी का घर, बात ही आ रही, किसी ने ये तोड़वाया इस पर्पज के लिए तोड़वाया कि मैं इसको बंद करवाऊंगा। अच्छा। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है जी। बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी सरकार के टाइम की हाथ पर बीजेपी का हाथ नहीं, किसी सेक्शन ने ये कह के तोड़वाया ये कि मैं इसको बंद करवाऊंगा, इसको बंद एमएलए पहले विनोद शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत जोर लगवा लिया, वो नहीं बंद करवाया इसको, बल्कि इसका ये इन्होंने पहले भी एक बार तोड़वाया था, जब तोड़वाया था जिस शख्स ने तोड़वाया था पहले भी ऐसे ही ये मेरे डंगर गिरते थे। राजनीति की बात नहीं करते हम सर, लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, नगर निगम की जिम्मेदारी तो बनती है जी, लेकिन उस शख्स ने दोबारा फिर तोड़वा दिया बंद करने के लिए, अब इसमें फिर पशु इस तरह गिरते हैं जी, उसको क्या हासिल हुआ? बिल्कुल पीछे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हालत देखिए, नगर निगम लाख दावे करता रहे, नगर निगम लाख हम कह सकते हैं बातें करता रहे, देखिए किस तरह से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि गौवंश को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इस गौवंश को बाहर निकाला जा सके। एक तस्वीर मैं ज़रा नज़दीक से आपको दिखा दूं कि हालांकि लोग जो हैं वो सियासत के आगे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से टल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कबाड़ हम इसे कहेंगे जो गंदगी हिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे बिल्कुल दलदल नुमा हालत जो है वो यहाँ पर बन गई है, लेकिन उसी में गौवंश जो है वो फंसा हुआ है, गौवंश को निकालने का प्रयास लोग इस समय कर रहे हैं। खबर को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। लापरवाही की तस्वीरें अम्बाला शहर के बीचों बीच से हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक निवास बिल्कुल सामने हैं और फिलहाल गौवंश को जो है वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो विफल होता हुआ साबित हो रहा है। दमकल विभाग को भी यहाँ पर सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं, कुछ समाज सेवी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। हनी जी पहुँचे हैं, सबसे पहले तो नज़ारा देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए ये कोई अम्बाला के अंदर
अंदर कोई नवी बात नहीं है और नगर निगम हो चाहे हमारे यहाँ के विधायक जी जिनकी कोठी इनके सामने ही है, अगर इतनी गंदगी है और ये बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि स्वच्छ भारत अभियान, तो ये अगर असीम गोयल जी की कोठी के सामने ये हाल है और गौवंश के नाम पर ये सरकार जो आई थी और हालात देखिए क्या है। अभी हमने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया है, उन्होंने कहा कि 7:25 का मैसेज हमें मिला था लेकिन अभी तक नहीं आई, इतने में तो लोगों के घर भी जल जाएं, हालांकि वो पहुंच जाते हैं टाइम पर, आज शायद नहीं पहुंचे। तो अब ये कोशिश देखिए लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है नरक निगम जो है साबित हो रहा है, ये इसकी जो आपके सामने इसका सबूत है और देखिए अब शायद अब ये निकल भी जाएंगे और इसके जी बिल्कुल देखिए गौवंश को जो है लोग अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से निकाल रहे हैं और ये निकाल दिया है गौवंश को यहाँ पर, गौवंश को यहाँ पर निकाला जा चुका है और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि ना तो दमकल यहाँ पर पहुँचा है ना ही कोई नगर निगम का अधिकारी यहाँ पर पहुँचा और लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से यहाँ पर गौवंश को इसको निकाला है। जबकि मीडिया भी यहाँ आई हुई है तो उनको भी पहुँचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। सारा काम अगर समाज सेवी संस्थाओं ने ही करना है तो मुझे लगता है कि भाई किस लिए जनता ने जो है MCs बनाए हैं या MLAs बनाए हैं। जी बिल्कुल, किस लिए जनता ने MC बनाए हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि MCOs के लाख दावे हुए, नगर निगम बड़े ही दावे कर देता है, विधायक दावे कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद हालात जो हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि आँखों देख कर यकीन नहीं होता कि ये शहर की ही, उस शहर की बात की जाती है जब शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसी तरह की खबरें दिल लेकर जरूर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और नगर निगम अम्बाला की एक और बड़ी लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम किस कदर लापरवाह है, किस कदर सड़कों पर हम कह सकते हैं अम्बाला में आवारा जो गौवंश हैं, बेसहारा गौवंश है वो घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन लापरवाही देखिए कि अम्बाला शहर में विधायक निवास के बिल्कुल सामने, पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि सामने विधायक जी का घर है, विधायक असीम गोयल जी नगर सेवक के नाम से जाने जाते हैं, नगर सेवक कहलवाते हैं खुद को, सामने उनका घर है और उनके घर के सामने ही ये एक बड़ा ही पुराना जो है वो कूड़े का हम कह सकते हैं कि किसी ज़माने में शायद ये कुआं होता था लेकिन अब जो है वो एक कुआं जो है वो एक कूड़े का बड़ा हम कह सकते हैं कि दलदल बन चुका है और उसी दलदल में एक गौवंश जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आपकी स्थानीय लोग जो हैं उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास जो है वो भी नाकाफी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा सवाल नगर निगम पर भी खड़ा होता है, नगर निगम लाख दावे करता है, अम्बाला को स्ट्रे कैटल फ्री जो है वो बताया जाता है, जब कोर्ट में तारीख लगती है कहा जाता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं लेकिन व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि बरसात हुई, बरसात के बाद इस कुएं में जो है वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं कीचड़ जरूर हो गया और उसी कीचड़ में जो गौवंश है वो इस वक्त फंसा हुआ नज़र आ रहा है और गौवंश को निकालने का भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है लेकिन फिलहाल प्रयास जो है वो सफल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बड़ी लापरवाही नगर निगम की, नगर निगम की लापरवाही से अगर आप भी परेशान हैं तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नगर निगम के अधिकारी देख सकें, शहर के नगर सेवक देख सकें कि उनके निवास के बिल्कुल सामने किस तरह का नज़ारा, किस तरह की हालत, किस तरह का आलम बना हुआ है कि गौवंश जो है अब कुएं में गिरने लगे हैं और भरी पूरी मार्केट जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, उसके बावजूद ना तो इस कुएं की चार दीवारी करवाई गई है ना ही किसी तरह की कोई यहाँ पर सफाई होती हुई नज़र आती है। कुछ बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी संजय। संजय जी, कुआं होता था शायद ये किसी टाइम में लेकिन आज की हालत क्या बन गई है? बीजेपी सरकार ने तोड़ा जी, बीजेपी सरकार के ऑफिसर ने ये कुआं तोड़वाया दोबारा से, पहले बीजेपी ने ठीक करवाया, हमने बहुत बार गुएं सुअर कुत्ते सब निकाले हैं जी भाई साहब। सर कोई सफाई करने आता है? कोई सफाई वाला कोई सिस्टम नहीं है जी इसका, हमने ये बंद करवा दिया था कह को आके कमेटी वालों से और कमेटी के ही एक ऑफिसर ने इसको तोड़वा दिया तो उसकी वजह से अब फिर दोबारा परेशानियां होने लगी हैं। जी भाई साहब आपका क्या नाम है जी, आगे जाइए थोड़ा। मेरा नाम राम कुमार है जी। राम जी क्या कहेंगे, बिल्कुल सामने विधायक जी का घर, बात ही है ना जी, किसी ने ये तोड़वाया इस पर्पे के लिए तोड़वाया कि मैं इसको बंद करवाऊंगा। अच्छा। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी का कोई हाथ नहीं, बीजेपी सरकार के टाइम की हाथ पर बीजेपी का हाथ नहीं, किसी शख्स ने ये कह के तोड़वाया ये कि मैं इसको बंद करवाऊंगा, इसको बंद MLA पहले विनोद शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत जोर लगवा लिया, वो नहीं बंद करवाया इसको,
बल्कि इसका ये इन्होंने पहले भी एक बार तोड़वाया था, जब तोड़वाया था जिस शख्स ने तोड़वाया था पहले भी ऐसे ही ये मेरे डंगर गिरते थे। राजनीति की बात नहीं करते हम सर, लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर। नगर निगम की जिम्मेदारी तो बनती है जी, लेकिन उस शख्स ने दोबारा फिर तोड़वा दिया बंद करने के लिए, अब इसमें फिर पशु इस तरह गिरते हैं जी, उसको क्या हासिल हुआ? बिल्कुल पीछे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हालत देखिए, नगर निगम लाख दावे करता रहे, नगर निगम लाख हम कह सकते हैं बातें करता रहे, देखिए किस तरह से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि गोवंश को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इस गोवंश को बाहर निकाला जा सके। एक तस्वीर मैं ज़रा नज़दीक से आपको दिखा दूं कि हालांकि लोग जो हैं वो सियासत के आगे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से टल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कबाड़ हम इसे कहेंगे जो गंदगी हिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे बिल्कुल दलदल नुमा हालत जो है वो यहाँ पर बन गई है, लेकिन उसी में गोवंश जो है वो फंसा हुआ है। गोवंश को निकालने का प्रयास लोग इस समय कर रहे हैं, खबर को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। लापरवाही की तस्वीरें अंबाला शहर के बीचों बीच से हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक निवास बिल्कुल सामने हैं और फिलहाल गौवंश को जो है वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो विफल होता हुआ साबित हो रहा है। दमकल विभाग को भी यहाँ पर सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं। कुछ समाज से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। हनी जी पहुँचे हैं, सबसे पहले तो नज़ारा देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए ये कोई अंबाला के अंदर कोई नवी बात नहीं है, और नगर निगम हो चाहे हमारे यहाँ के विधायक जी जिनकी कोठी इनके सामने ही है, अगर इतनी गंदगी है और ये बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि स्वच्छ भारत अभियान, तो ये अगर असीम गोयल जी की कोठी के सामने ये हाल है और गौवंश के नाम पर ये सरकार जो आई थी, और हालात देखिए क्या है। अभी हमने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया है, उन्होंने कहा कि 7:25 का मैसेज हमें मिला था लेकिन अभी तक नहीं आई, इतने में तो लोगों के घर भी जल जाएं, हालांकि वो पहुंच जाते हैं टाइम पर, आज शायद नहीं पहुंचे। तो अब ये कोशिश देखिए लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है नरक निगम जो है साबित हो रहा है, ये इसकी जो आपके सामने इसका सबूत है, और देखिए शायद अब ये निकल भी जाएंगे और इसके जी बिल्कुल। देखिए गौवंश को जो है लोग अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से निकाल रहे हैं, और ये निकाल दिया है गौवंश को यहाँ पर, गौवंश को यहाँ पर निकाला जा चुका है, और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि ना तो दमकल यहाँ पर पहुँचा है, ना ही कोई नगर निगम का अधिकारी यहाँ पर पहुँचा, और लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से यहाँ पर गौवंश को इसको निकाला है, और जबकि मीडिया भी यहाँ आई हुई है तो उनको भी पहुँचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। सारा काम अगर समाज सेवी संस्थाओं ने ही करना है तो मुझे लगता है कि भाई किस लिए जनता ने जो है MCs बनाए हैं या MLAs बनाए हैं? जी बिल्कुल, किस लिए जनता ने MC बनाए हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि MCOs के लाख दावे हुए, नगर निगम बड़े ही दावे कर देता है, विधायक दावे कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात जो हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि आंखों देखकर यकीन नहीं होता कि ये शहर की ही, उस शहर की बात की जाती है। जब शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की खबरें दिल लेकर जरूर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अब जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप, और नगर निगम अंबाला की एक और बड़ी लापरवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम किस कदर लापरवाह है, किस कदर सड़कों पर हम कह सकते हैं अंबाला में आवारा जो गौवंश हैं, बेसहारा गौवंश है, वो घूमते हुए नज़र आते हैं, लेकिन लापरवाही देखिए कि अंबाला शहर में विधायक निवास के बिल्कुल सामने, पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि सामने विधायक जी का घर है, विधायक असीम गोयल जी नगर सेवक के नाम से जाने जाते हैं, नगर सेवक कहलवाते हैं खुद को, सामने उनका घर है और उनके घर के सामने ही ये एक बड़ा पुराना जो है वो कूड़े का हम कह सकते हैं कि किसी ज़माने में शायद ये कुआं होता था, लेकिन अब जो है वो एक कुआं जो है वो एक कूड़े का बड़ा हम कह सकते हैं कि दलदल बन चुका है, और उसी दलदल में एक गौवंश जो है वो यहाँ पर फंसा हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप कि स्थानीय लोग जो हैं उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है वो भी नाकाफी साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा सवाल नगर निगम पर भी खड़ा होता है, नगर निगम लाख दावे करता है, अंबाला को स्ट्रे कैटल फ्री जो है वो बताया जाता है, जब कोर्ट में तारीख लगती है कहा जाता है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि बरसात हुई, बरसात के बाद इस कुएं में जो है वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं कीचड़ जरूर हो गया, और उसी कीचड़ में जो गौवंश है वो इस वक्त फंसा हुआ नज़र आ रहा है, और गौवंश को निकालने का भरसक प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रयास जो है वो सफल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बड़ी लापरवाही नगर निगम की, नगर निगम की लापरवाही से अगर आप भी परेशान हैं तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नगर निगम
के अधिकारी देख सकें, शहर के नगर सेवक देख सकें कि उनके निवास के बिल्कुल सामने किस तरह का नज़ारा, किस तरह की हालत, किस तरह का आलम बना हुआ है कि गोवंश जो हैं अब कुएं में गिरने लगे हैं और भरी पूरी मार्केट जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, उसके बावजूद ना तो इस कुएं की चार दीवारी करवाई गई है, ना ही किसी तरह की कोई यहाँ पर सफाई होती हुई नज़र आती है। कुछ बुज़ुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका जी? संजय। संजय जी, कुआं होता था शायद ये किसी टाइम में, लेकिन आज की हालत क्या बन गई है? बीजेपी सरकार ने तोड़ा जी, बीजेपी सरकार के ऑफिसर ने ये कुआं तोड़वाया दोबारा से। पहले बीजेपी ने ठीक करवाया, हमने बहुत सारी बहुत बार गुए सुअर कुत्ते सब निकाले हैं जी भाई साहब। सर कोई सफाई करने आता है? कोई सफाई वाला कोई सिस्टम नहीं है जी इसका। हमने ये बंद करवा दिया था कहको आगे कमेटी वालों से, और कमेटी के ही एक ऑफिसर ने इसको तोड़वा दिया, तो उसकी वजह से अब फिर दोबारा परेशानियां होने लगी हैं जी। भाई साहब आपका क्या नाम है जी, आगे जाइए थोड़ा। मेरा नाम राम कुमार है जी। राम जी क्या कहेंगे, बिल्कुल सामने विधायक जी का घर। बात यह है जी, किसी ने ये तोड़वाया इस पर्पे के लिए तोड़वाया कि मैं इसको बंद करवाऊंगा। अच्छा। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी का कोई हाथ नहीं, बीजेपी सरकार के टाइम की हाथ पर बीजेपी का हाथ नहीं। किसी शख्स ने ये कह के तोड़वाया ये कि मैं इसको बंद करवाऊंगा, इसको बंद एमएलए पहले विनोद शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत जोर लगवा लिया, वो नहीं बंद करवाया इसको, बल्कि इसका ये इन्होंने पहले भी एक बार तोड़वाया था, जब तोड़वाया था जिस शख्स ने तोड़वाया था पहले भी ऐसे ही ये मेरे डंगर गिरते थे। राजनीति की बात नहीं करते हम सर, लेकिन नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर। नगर निगम में जिम्मेदारी तो बनती है जी, लेकिन उस शख्स ने दोबारा फिर तोड़वा दिया बंद करने के लिए, अब इसमें फिर पशु इस तरह गिरते हैं जी, उसको क्या हासिल हुआ? बिल्कुल पीछे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हालत देखिए, नगर निगम लाख दावे करता रहे, नगर निगम लाख हम कह सकते हैं बातें करता रहे, देखिए किस तरह से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि गोवंश को बाहर निकाला जा सके, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इस गोवंश को बाहर निकाला जा सके। तस्वीर मैं ज़रा नज़दीक से आपको दिखा दूं कि हालांकि लोग जो हैं वो सियासत के आगे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से टल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कबाड़ हम इसे कहेंगे जो गंदगी हिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे बिल्कुल दलदल नुमा हालत जो है वो यहाँ पर बन गई है, लेकिन उसी में गोवंश जो है वो फंसा हुआ है। गोवंश को निकालने का प्रयास लोग इस समय कर रहे हैं, तक खबर को शेयर भी जरूर करते रहिएगा। लापरवाही की तस्वीरें अंबाला शहर के बीचों बीच से हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक निवास बिल्कुल सामने हैं और फिलहाल गौवंश को जो है वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो विफल होता हुआ साबित हो रहा है। दमकल विभाग को भी यहाँ पर सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं। कुछ समाज से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। हनी जी पहुँचे हैं, सबसे पहले तो नज़ारा देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए ये कोई अंबाला के अंदर कोई नवी बात नहीं है, और नगर निगम हो चाहे हमारे यहाँ के विधायक जी जिनकी कोठी इनके सामने ही है, अगर इतनी गंदगी है और ये बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि स्वच्छ भारत अभियान, तो ये अगर असीम गोयल जी की कोठी के सामने ये हाल है, और गौवंश के नाम पर ये सरकार जो आई थी, और हालात देखिए क्या है। अभी हमने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया है, उन्होंने कहा कि 7:25 का मैसेज हमें मिला था लेकिन अभी तक नहीं आई, इतने में तो लोगों के घर भी जल जाएं, हालांकि वो पहुंच जाते हैं टाइम पर, आज शायद नहीं पहुंचे, तो अब ये कोशिश देखिए लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम जो है नरक निगम जो है साबित हो रहा है, ये इसकी जो आपके सामने इसका सबूत है, और देखिए अब शायद अब ये निकल भी जाएंगे और इसका जी बिल्कुल। देखिए गौवंश को जो है लोग अपनी मेहनत से अपनी से निकाल रहे हैं और ये निकाल दिया है गौवंश को यहाँ पर, गौवंश को यहाँ पर निकाला जा चुका है, और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि ना तो दमकल यहाँ पर पहुँचा, ना ही कोई नगर निगम का अधिकारी यहाँ पर पहुँचा, और लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी मशक्कत से यहाँ पर गौवंश को इसको निकाला है, जबकि मीडिया भी यहाँ आई हुई है, तो उनको भी पहुँचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। सारा काम अगर समाज सेवी संस्थाओं ने ही करना है, तो मुझे लगता है कि भाई किस लिए जनता ने जो है एमसी बनाए हैं या एमएलए बनाए हैं जी? बिल्कुल, किस लिए जनता ने एमसी बनाए हैं, तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि एमसीओ के लाख दावे हुए, नगर निगम बड़े ही दावे कर देता है, विधायक दावे कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात जो हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि आंखों देखकर यकीन नहीं होता कि ये शहर की ही, उस शहर की बात की जाती है जब शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसी तरह की खबरें दिल लेकर जरूर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अब जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग।